हर हर गंगे नमामि गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में। अभी आप माँ गंगा के शीतल जल की पावन दर्शन हरिद्वार के महिला घाट से कर रहे हैं। जल की गति काफ़ी तेज और काफ़ी ज़्यादा पारदर्शी है और आप देख रहे हैं स्नान करने के बाद ये वाली ब्रिज से होके हम स्वामी विवेकानंद पार्क का, जहाँ पे भगवान शिव की काफ़ी ऊँची मूर्ति है, समय 5 मिनट का। और अगर आप हाईवे से जाएंगे तो आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। आप देख रहे हैं काफी शानदार दृश्य। आप देख रहे हैं ये वाली घाट पूरा खाली खाली सा दिखाई दे रहा है। मौसम काफी अच्छा है लेकिन ठंडी थोड़ी थोड़ी लग रही है और हल्की हल्की सी सूर्य की किरण भी आ चुकी है। तो चलते हैं अभी आपको और भी पाकी घाटों का दृश्य दिखाते हैं ताकि आपको यहाँ की सारी दृश्य देखने को मिल सके और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मालवी घाट हमारे माता और बहनों के लिए काफी अच्छी घाट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी सारा भीड़ होता है बाकी घाटों की। ये है भागीरथी सेतु और भागीरथी सेतु से आप शिव ब्रिज से होके डायरेक्ट ये जो घाट है ये है नई घाट और नई घाट में अस्थि विसर्जन और मुंडन की विधि किया जाता है। सारे घाटों की तुलना में यहाँ सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो मालवी घाट में दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं ये वाले जो घाट है महिला घाट वाले एरिया है और ये वाली जो घाट है वो मालवी घाट वाले एरिया, जहाँ पे काफी सारे चेंजिंग रूम है। और यहाँ से आप भगवान शिव की ऊंची मूर्ति के दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान शिव की ऊंची मूर्ति स्वामी विवेकानंद पार्क है। यहाँ पे जाने के लिए आपको हाईवे डायरेक्ट हाईवे से जाना होगा या फिर आपको ये वाले ब्रिज पार करके पंचदीप पार्किंग होते हुए यहाँ पे जाना होगा। इधर से आप जाते हैं पंचदीप। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आप ब्रिज से होकर जाएंगे तो 5 मिनट और अगर आप घूम के जाएंगे तो आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। तो आप अगर पैदल हैं तो आप ब्रिज से जाएं और अगर आपको कार से जाना है या बाइक से जाना है तो आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। सुबह सुबह का दृश्य काफी ज्यादा शानदार, काफी ज्यादा मन को लुभा देने वाली आज की आप देख रहे हैं, क्योंकि काफी तेज सूर्य की किरण यहाँ पे आ रही है और साथ में जो दृश्य देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा शानदार है। लेकिन जो आपको इधर का दृश्य दिखाई दे रहा है ये कोहरा नहीं है, बादल है और ये पहाड़ है और ये माँ मनसा देवी वाली पहाड़ है। कोहरा नहीं होने की वजह से जो क्लियर दृश्य दिखाई दे रहा है ऐसा दृश्य काफी दिनों के बाद दिखाई दे रहा है और आज का दृश्य सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा यूनिक सा दिखाई दे रहा है। काफी दिनों बाद ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है तो मन को एक अलग ही आनंद आज मिल रही है। आप अगर हरिद्वार की प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। सुबह और शाम हल्की हल्की ठंडी लगती है, आप दिन में काफी तेज धूप आने के बाद ठंडी गायब सी हो जाती है, तो आप यात्रा कर सकते हैं। और आरती का टाइम हम आपको अभी कुछ देर में बताने वाले हैं और आरती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ये भी हम कुछ देर में अभी बताएंगे। मनसा देवी और चंडी देवी की जो रोपवे की सर्विस है वो सुचारू रूप से चालू है, बंद नहीं किया गया है। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि क्या अभी रोपवे चल रहा है या बंद कर दिया गया है, तो आप जा सकते हैं रोपवे का आनंद ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो बाइक की यात्रा भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। बाइक की यात्रा और रोपवे की यात्रा पैदल यात्रा मनसा देवी में उपलब्ध है, आप जाके सर्विस का आनंद ले सकते हैं। बाइक में अगर सफ़र करते हैं तो आपको 100 रुपये पर पर्सन आने जाने का देना होगा, अगर आप रोपवे से करते हैं तो आपको 129 रुपये आने जाने का सर्विस चार्ज देना होगा, पैदल निःशुल्क है जैसे कि आपको पता ही है। और अभी जो दृश्य देख रहे हैं ये सुबह का दृश्य है और सुबह का दृश्य हर की पैड़ी हरिद्वार में
काफ़ी ज़्यादा आनंदमय होता है। तो आप जब भी आए हरिद्वार तो सुबह सुबह और शाम के टाइम गंगा के घाटों पे बैठना ना भूलें। आरती के दौरान भी आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। और आरती का टाइम अभी का 5:40 है। अगर आप आरती के समय आना चाहते हैं तो आपको करीबन 1 से 1.5 घंटे पहले ही आना होगा, ताकि आप सामने बैठ सकें और माँ गंगा की दिव्य आरती के पावन दर्शन अच्छे से कर सकें। अभी आप दर्शन कर रहे हैं माँ मनसा देवी टेंपल के, और यहाँ से जो दृश्य देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला जो ब्रिज है, ये सबसे प्रमुख ब्रिजों में से एक है जो कि नई घाट और हरकी पहाड़ी को दो भागों में डिवाइड करता है। ये है नई घाट, और सामने जो हमने अभी दिखाया दृश्य वो है हरकी पहाड़ी, जहाँ पे आप आरती के दर्शन बैठ के करते हैं। ऐसे आरती के लिए श्रद्धालु यहाँ भी बैठे होते हैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है खासतौर पर शाम के दौरान। ये आप देख रहे हैं माँ गंगा की दिव्य जल की गति काफ़ी तेज है और काफ़ी ज़्यादा पारदर्शी। इस ब्रिज से होकर हम डायरेक्ट ऋषिकेश बाईपास की ओर हो सकते हैं, और वहां से हमें ऋषिकेश और देहरादून के लिए बस की सर्विस और ऑटो की सर्विस मिल जाता है। अगर आप गवर्नमेंट बस की सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको बस स्टैंड ही जाना पड़ेगा, आपको ऋषिकेश बाईपास से गवर्नमेंट बस की सेवा ऋषिकेश या देहरादून के लिए नहीं मिल पाएगा। अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं। इस ब्रिज से होके हम डायरेक्ट हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की ओर जा सकते हैं। बाहर निकलती है हमें ई रिक्शे या फिर पैडल रिक्शे की सर्विस मिल जाता है, जो कि आपको 20 रुपये के किराए में आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड ड्रॉप कर देंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे, नमामि गंगे।